बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि हमने अगर जीमेल का अकाउंट बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम जीमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखें जी, मैंने ऑलरेडी ब्राउजर ओपन किया हुआ है और हम इस पे जो है जीमेल का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। हमने क्या करना है, ये देखें www.google.com पे हम ऑलरेडी हैं। हमने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। नीचे हम क्रिएट अकाउंट फॉर माय पर्सनल यूज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। तो फर्स्ट नेम पे आप अपना पहला नाम लिख देंगे, जो आपका नाम का पहला वर्ड होगा, और सेकंड लास्ट नेम पे जो अगर आपका एक है तो आप एक लिख देंगे। अगर दो नाम पे आपका पूरा नाम है तो वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप अपने आपने अपनी जीमेल की आईडी बनानी है। जैसे आपने ऊपर मोहम्मद, हमने जैसे ऊपर मेंशन किया है मोहम्मद आसिम, तो हमने क्या किया m.asim कर देंगे हम इसको, और कोड लिख देंगे साथ। द यूजर नेम इज टेकन ट्राई एन अदर, तो हम 00 अभी भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 00 01993। देखें ये हमें मिल गई है ये आईडी, ये हमारी जीमेल की आईडी जो है ये हमें मिल गई है। पासवर्ड में क्या करना है, पहला जो है अल्फाबेट कैपिटल लिखना है और बाकी छोटे लिख सकते हैं अल्फाबेट, यानी कि जो आपकी मर्जी हो आप यानी कि पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड आपका कम से कम 8 यानी कि वो होने चाहिए अल्फाबेट। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। ये देखें जी, ऊपर आपका फोन नंबर मांग रहा है। अगर आपने फोन नंबर देना है तो आप ऊपर फोन नंबर मेंशन कर देंगे। रिकवरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे हमने रिकवरी ईमेल एड्रेस लिख देना है, और मंथ सेलेक्ट कर देंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, जैसे अगस्त यहाँ हमने लिख दी, और डे लिख दिया किस दिन पैदा हुए आपको, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ईयर 1993। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर लिख देंगे मेल है, और इसके बाद हमने क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, आई एग्री। ठीक है, ये देखें जी, हमारे पास ये जीमेल अकाउंट बन चुका है मोहम्मद आसिम। अब हमने जो ईमेल दी थी उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम आते हैं माय अकाउंट, इसके ऊपर सिक्स डॉट्स के ऊपर क्लिक करके हम अकाउंट्स के ऊपर आके हमने क्लिक कर दिया, और हमने आना है सिक्योरिटी के ऊपर, और नीचे आएंगे और रिकवरी ईमेल के ऊपर हमने क्लिक कर देना है, और इस पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा, रिकवरी जो ईमेल आपने दी होगी वहां से हमने कोड लेना है। ये देखें, ये है दूसरी ईमेल, यहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। ये कोड हमने क्या करना है, मेंशन कर देना है अपनी जो अभी हमने आईडी बनाई थी जीमेल की उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां से हमने कोड ले लिया और यहाँ आके हमने वो मेंशन कर दिया, और इसको कर दिया हमने वेरीफाई। ठीक है, रिकवरी ईमेल जी वेरीफाइड, और दोबारा डॉट पे आ जाते हैं और अकाउंट्स पे के ऊपर दोबारा क्लिक कर देते हैं, दोबारा सिक्योरिटी पे आते हैं, और ये देखें जी नीचे जो है रिकवरी ईमेल इज वेरीफाइड। अगर आपके पास नंबर है तो फोन नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा आते हैं कि जीमेल, और जीमेल के ऊपर आते हैं। ये देखें जी, हमारे पास जो हमारी ईमेल है वो हमारी जीमेल की ईमेल बन चुकी है, और रिकवरी ईमेल भी हमने जो दी हुई थी वो भी मेंशन हो चुकी है इसके ऊपर। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।